सेकंड इनवर्स, ये रिएक्टेंट है ए जिसका डीकंपोजिशन हो रहा है और उसका रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आगे ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है 4.5 × 10³। सेकंड इनवर्स एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड यानी एट 283 केल्विन, 10 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 283 केल्विन, एंड द एक्टिवेशन एनर्जी इज 60 kJ/mol, 60 kJ/mol ये आपको एक्टिवेशन है। एट व्हाट टेंपरेचर वुड के बी 1.5 × 10⁴ यानी ये K1 है, K2 आपको दे रखा है 1.5 × 10⁴ सेकंड इनवर्स, ये टेंपरेचर T1 है। हाँ मुझे पता था T2 क्या हो जाएगा, T2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। देखो क्वेश्चन वापस से मैं रिपीट किया, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 283 केल्विन टेंपरेचर पर आपका रेट कांस्टेंट है 4.5 × 10³ सेकंड इनवर्स। अब वो पूछा है यदि आपका रेट कांस्टेंट की वैल्यू 1.5 × 10⁴ सेकंड इनवर्स हो जाए तो टेंपरेचर क्या होगा, यदि इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे रखी है 60 kJ/mol, तो देखिए कैसे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, log ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू ea अपॉन 2.303 r 1/T1 माइनस 1/T। ठीक है, तो log K2 की जगह रखा 1.5 × 10⁴ अपॉन 4.5 × 10³ इज इक्वल टू ea 60 × 1000 60 × 2.303 r की वैल्यू 8.314 T की वैल्यू 1/T1 की वैल्यू 283 माइनस 1/T। आपको T2 कैलकुलेट करना है, बाकी सारे वेरिएबल हमने प्लेस कर दिए हैं, बाकी सारे वेरिएबल की वैल्यू हमने प्लेस कर दी है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, T2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये ऐसे मिल गया, ये ऐसे मिल गया, ये 1 ये 3 log 10/3 10⁴ और ये 10⁴ 10/3 इज इक्वल टू 60,000 और इसको सॉल्व कर लेते हैं 60,000 डिवाइड बाय 2.303 डिवाइड बाय 8.314 क्योंकि 3133.62 डिवाइड बाय 283 माइनस 3133.62 डिवाइड बाय 3। ये मैं ये जो वैल्यू आई इन दोनों को मल्टी मैंने इसको सॉल्व करके इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया इंडीज में, आया ना समझ में अधिक। अब ये टर्म इधर ले आया और ये टर्म इधर लेके जा रहा, तो देखिए 3133.62 बाय T2 अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले 3133.62 डिवाइड बाय 280 वैल्यू आ गई 11.072 माइनस log 3.33 10 by 3 को हमने क्या लिख दिया 3.333। ठीक है, अब पहले ये वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, माइनस कैरेक्टरिस्टिक को जीरो आ गया, अब 33 के करस्पॉन्डिंग 3 और 3 चेक करके बताओ, लॉग टेबल में, एंटी लॉग में नहीं, ऐड करके बताया है 4 मिनट, तो 5228 हो गया 0.5228, तो ये हो गया 1333.62 डिवाइड बाय T2
is equals to 11.072 minus 0.5220. पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं. 11.072 माइनस 0.5228 क्या गया 10.549 तो गया 3133162/3. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते की वैल्यू आ जाएगी, कितना हो जाएगा 3133.62/10.549 ये आपका टेम्परेचर आ जाएगा 3133.62 / 10.549 ये आ गया 297.04. तो इतना आपको कैलकुलेशन करना रहेगा. लॉजिक देखिए, लॉजिक बहुत ही छोटा सा है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी रहेगी इन क्वेश्चंस के अंदर, बाकी कुछ भी नहीं है. कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा रहेगा. Is it clear? आया समझ में? अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन जो डिफरेंट वैरायटी है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ. मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, अब तक शायद स्क्रीन ना दिखे आपको. तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है. क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, the time required for 10% completion of first order reaction at 298 Kelvin is equal to that required for its 25% completion at 308 Kelvin. If the value of A is 4×10^10 S, calculate the value of K at 318 Kelvin and activation. ठीक है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है. अब देखिए यहाँ पर अरेंजमेंट कंसेप्ट भी लगेगा और रेट कांस्टेंट वाला लॉजिक भी लगेगा. मतलब रेट कांस्टेंट एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रिलेशन है, दैट T इज इक्वल के इज इक्वल टू 2.303/T log कंसंट्रेशन ऑफ K0/A/T, वो वाला लॉजिक क्या लगेगा. वो क्या कह रहा है कि 298 केल्विन टेंपरेचर पर जो T1 टेंपरेचर है, इस टेंपरेचर पर रिएक्शन का जो 10% कंप्लीशन हो रहा है उसके लिए जो टाइम रिक्वायर चाहिए 9% कंप्लीशन. और T2 टेंपरेचर यानी आपका टेंपरेचर कितना है 308 केल्विन, इसका आपका कितना परसेंट कंप्लीशन हो रहा है 25% कंप्लीशन. दोनों के लिए टाइम जो है वो क्या है सेम टाइम रिक्वायर. तो आपको यदि A की वैल्यू यानी इनपुट एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू दे रखी है 4×10^10 S, तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं और रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 318 का 10 डिग्री के डिफरेंस में ये का वैल्यू फर्दर कैलकुलेट करना है. हाँ जी, आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे नहीं रखी है इन दोनों टेम्परेचर्स. फॉर्मूला देखिए ये लगेगा एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए log K2/K1 is equal to Ea upon 2.303 R 1/T1 minus 1/T2. ये फॉर्मूला लगेगा. देखिए एक्टिवेशन एनर्जी हमारे अननोन है, T1 T2 दे रखे हैं ये वाली. अब आपके पास ये भी डेटा नहीं, K2/K1 नहीं, तो K2/K1 के लिए ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि यदि सेम रिएक्शन 298 केल्विन टेंपरेचर पे होती है तो उसका 10% कंप्लीशन के लिए जो टाइम चाहिए वही सेम टाइम चाहिएगा जब ये रिएक्शन 308 केल्विन पर होगी पर उसका रिएक्शन का 25% कंप्लीट होगा. तो अब दूसरा फॉर्मूला क्या लगेगा, दूसरा फॉर्मूला लगेगा T=2.303 K log A0/A2, ये वाला लॉजिक लगेगा. तो जब मैं 98 केल्विन पर टेम्परेचर रिएक्शन करवाता हूँ तो टाइम T1 लिया सपोज, और 308 केल्विन पर लगवा रहा हूँ तो टेम्परेचर T2 लिया,
और T1 के करस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट K1 है और T2 के करस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट K2 है, तो T1 और T2 इक्वल है, तो K1 K2 की वैल्यू आ गई। तो पहले ये रिलेशन लगाने से पहले K2 K1 की वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? T1 is equal to T2, है time required for completion of 10% of reaction at 298 Kelvin and T2 is time required for completion of 25% of reaction at 308 Kelvin. So the 2.303 by A1 log A0 by AT is equal to 2.303 by A2 log A0 dash by AT dash. हो गया 2.303 बाय A1 लॉग 100 बाय 10% कंप्लीशन हो गया, तो कितना बचा 9, 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, और 2.303 बाय A2 लॉग 100 बाय 25% कंप्लीट हो गया, तो कितना बचा 75। 80 क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सर्टेन रिएक्शन, कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है वो है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, K2 by K1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में जाने दें, ये देखो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, K2 by K1 इधर आ जाएगा, ये वैल्यू इधर चली, तो K2 by K1 is equals to log, इसको सॉल्व कर लिया, ये 4 ये 3, log 4 by 3 upon log 10 by 9। K2 by K1 क्या आ जाएगा, log 4 by 3 upon log 10 by 9, ये आपको K2 by K1 की वैल्यू मिलती है। तो log 4 by 3 हुआ log 1.333 और log 10 by 9 हुआ log of 1.111। इन दोनों का लॉग निकालना है और इन दोनों की वैल्यू को डिवाइड करना है, तो बताइए चलिए दोनों का लॉग वैल्यू कितना आ रहा है। इसका 13 के करस्पॉन्डिंग 3 चेक करना है, क्या आया 1.124 और 11 के करस्पॉन्डिंग 1.1 चेक कर, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड किया, देखिए 0.1249 डिवाइडेड बाय 0.0457 या वैल्यू आ गई आपकी 2.7, कितनी आ गई वैल्यू 2.733 या आपकी K2 by K1 की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई K2 by K1 की वैल्यू आ गई। अब आप फॉर्मूला लगा लेंगे एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने का। एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी log K2 by K1 equals to dA upon 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T1, ठीक है। तो ये हो गया log of 2.733 equals to dA upon 2.303 into 8.314 1 upon 298 minus 1 upon 308, हमें करना क्या है, हमें K2 by K1 की वैल्यू कैलकुलेट करना, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो log K2 by K1 is equals to dA upon 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T, तो K2 by K1 की वैल्यू, इसके लिए हमने सारा कैलकुलेशन किया, तो आया 2.733, तो ये हो गया log 2.733 dA upon 2.303 into 8.314, तो अब ये हो गया, इसका log वैल्यू कैलकुलेट करके कब का क्या आ रहा है, 27 के करस्पॉन्डिंग 3 एंड 3
4367 ये हो जाएगा 298 × 308 और ऊपर आ जाएगा 10 अप्रॉक्स मल्टीप्लाई, तो ईए की वैल्यू आ जाएगी 0.4367 × 303 × 8.314 298 × 308 और डिवाइडेड बाय 10 ये आपका इक्वेशन 76.74 kJ ये एक्टिवेशन एनर्जी आ रही है। ठीक है, अब आपका इसी का बी पार्ट अभी कैलकुलेट करना बाकी है। आपको लग रहा होगा कि कितनी कैलकुलेशन है, बट है कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन आपका ये जो क्वेश्चन आता है 5 मार्क के अंदर ही आता है, क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, इसीलिए पूरा क्वेश्चन 5 मार्क का पूछा जाता है। अब आपको k की वैल्यू निकालनी है 318 केल्विन पर, टेंपरेचर दिया हुआ है, और a की वैल्यू दे रखी है 4 × 10^10 सेकंड। अब a की वैल्यू कहाँ यूज आएगी, देखिए log k इज इक्वल्स टू log k माइनस ये अपॉन 2.303 rt। यहाँ लॉजिक यूज करना पड़ेगा, तो log of k या एंटी log आप आएगा, पहले log फिर एंटी log, log 4 × 10^10 माइनस ea, ea की वैल्यू ये रही 76,745.7 डिवाइडेड बाय 2.303 × 8.314 इनटू टेंपरेचर कितना है 380। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करें, तो log k ये हो जाएगा log 4 प्लस 10 log 10। ठीक है, पहले तो log a प्लस log a प्लस log b लगाया और b के ऊपर जो पावर थी वो आगे ले ली और इसको सॉल्व किया, डिवाइडेड 76,745.7 डिवाइडेड बाय 2.303 डिवाइडेड बाय 8.314 डिवाइडेड बाय 380 यानी 12.60 44। अब log 4 की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 16020 प्लस 10 माइनस 12.604। अब ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये एक और अच्छी एंटी log वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये हो गया 10 प्लस 16020 आ गया 10.602 माइनस 12.604, तो इसको माइनस किया 12.602, तो आपका log k का वैल्यू आया माइनस 2.0024। अब देखिए, अब आपको k की वैल्यू निकालने के लिए इसका एंटी log लेना है, तो अब देखिए जब भी एंटी log किसी नंबर का लेते हैं तो क्या होता है, किसी भी एंटी लॉग का मतलब क्या होता है, हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसकी लॉग वैल्यू दे रखी, तो लॉग वैल्यू में कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो सकता है लेकिन मैंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब ये ओवरऑल पूरा नंबर नेगेटिव है, मतलब इसका जो हमें नंबर चाहिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी नेगेटिव है और मैंटिसा भी नेगेटिव है, तो मैंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो जब किसी नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग लेना हो तो कैसे लेंगे, इसका मैंटिसा पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना। तो इसका मैंटिसा पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल के बाद वाला जो चार डिजिट है उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या करेंगे 1 − 0.0024 ये आ गया 0.9976। तो इसको लिखने का तरीका देखो, log k इज इक्वल टू -3 प्लस 0.9976। मैंने नेगेटिव नंबर को कैसे लिखा, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, -3 प्लस 0.9976, तो अब क्या हुआ,
ये कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो गया, मेंटिसा ये कैरेक्टरिस्टिक या पॉजिटिव हो गया या मेंटिसा पॉजिटिव हो गया। तो कभी भी जब नेगेटिव नंबर आता है तो ये जो पीछे वाला जो डिजिट चार डिजिट आएंगे डेसिमल के बाद वाले उसको वो वन से सब्ट्रैक्ट कर लो, इस माइनस जो भी नेगेटिव नंबर आ रहा है उसको एक से डिक्रीज कर दो, माइनस टू को माइनस थ्री कर दिया प्लस 0.9976। तो अब लॉग के क्या आया, लॉग के आया माइनस थ्री प्लस 0.9976। तो के की वैल्यू आ जाएगी एंटी लॉग ऑफ माइनस थ्री इंटू एंटी लॉग ऑफ 0.9976। तो ये तो आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ माइनस थ्री हो जाएगा 10^-3, क्या आ जाएगा 10^-3। और अब इसका एंटी लॉग निकालने के लिए एंटी लॉग टेबल देखिए 0.99 और उसके करस्पॉन्डिंग 7 और 6। उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या चेक करना है, 7 और 6 चेक करना है, चेक करिए 0.99 और उसके करस्पॉन्डिंग 7 और 6। तो ये आपका k का वैल्यू आ गया 9.945 × 10^-3। ये आपका रेट कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा 318 केल्विन। इज इट क्लियर? तो ये मैंने सारा वैरायटी आपको डिस्कस किया, जो भी आरएमएस सिचुएशन में आपको पूछा जाता है, कैलकुलेशन ज्यादा है लॉग एंटी लॉग मल्टीप्लिकेशन, बट जो लॉजिक है वो एक ही दो फॉर्मूला पर आपके घूम रहे हैं। एक है लॉग k2/k1 = ea/2.303r(1/d1 - 1/d), और दूसरा है लॉग k = log a - ea/2.303 × r × d। बस ये दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं अरेंज सिचुएशन। आया समझ में? ऑर्गेनिक शुरू करनी है।